बता दें, शिवसेना में बगावत होने और शिंदे फडणवीस सरकार को अस्तित्व में आए महीना भर हो चुका है, लेकिन अब तक इस सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ शिवसेना का ठाकरे गुट सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो पिछले कुछ हफ्तों में एकनाथ शिंदे 5 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार का गणित फिट बैठता नहीं दिख रहा है। इसके लिए तमाम कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इनमें से एक कारण सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई से जुड़ा है। माना जा रहा है कि इस याचिका की वजह से कानूनी जटिलताएं आ रही हैं, जिससे सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहीं विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा मसला भी अब तक सुलझा नहीं है। एक अन्य वजह से बीजेपी और शिंदे गुट के बीच पदों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट न होना बताई जा रही है। अधिकतर विधायक मंत्री बनना चाहते हैं और सभी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा है। एक तर्क ये भी है कि बीजेपी किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और दोस्तों के बीच हमेशा पहले आप यानी धैर्य रखने वाली राजनीति खेली जाती रही है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का फायदा क्या उद्धव ठाकरे को मिलेगा या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस एक साथ विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन असली संघर्ष उद्धव ठाकरे के लिए है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी तो शुरुआती कुछ दिनों तक सिर्फ 5 लोग मंत्री पद संभाल रहे थे। ऐसे में इस बार भी स्थिति में बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन संकेत अलग है और मौजूदा राजनीतिक दौर में इसके मायने भी बदल गए हैं। वहीं बता दें, महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से हो रही भारी बारिश की वजह से विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का मौका मिला है। शिंदे फडणवीस सरकार ने इन मुद्दों पर कई अहम बैठकें की हैं, कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन इस सरकार में सिर्फ 2 मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री नहीं बनाए गए हैं जो मंत्रालयों का काम देख सकें।